लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपके बारे में तो सब कुछ जानती हूँ, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कितना घुमाते हैं, सब पता है मुझे जी। जब मैं ऐसी औरतों को देखता हूँ ना, तो मुझे रियलाइज हो जाता है कि सारी औरतें जो है ना, वो एक्चुअली सिर्फ पैसों के पीछे। शायद बुरा आदमी नहीं है, बस एक बड़ी सी बुराई की दीवार के पीछे अपने इमोशंस को छुपा के बैठे। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हो तब भी आई एम नॉट गोना बी हिटिंग ऑन यू, रिमेंबर? वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितना अच्छा करती है। कुछ काम है। hey, पलक सॉरी यार, वो विक्की थोड़ा सा ऑकवर्ड कर दिया उसने। Just an idiot. It's fine. I was just here to make a call. Right. Make a call. क्या हुआ? Why are you fiddling with your phone? Actually, मुझे mom call करी, मैं attend नहीं करना चाहती. किसी लड़के से मिलवाना चाहती and hang हो गया, disconnect ही नहीं हो रहा है. Yeah. हो गया. Hang on. चले? Sorry about that, हाँ। मुझे भी नहीं करना यार ये सब, ये सब रीवा की वजह से हो रहा है। विक्की ना, he's a little too much. हाँ बाबा जा रहा हूँ, बस दे रहा हूँ, नाटक मत कर, फोन काट दूंगा मैं। रीवा अनन्या का फोन है, क्या करूँ? क्या करूँ, क्या होता है? Give it to me, I want to speak to her. Mad or what? तू पागल है, तेरी मेहंदी खराब हो जाएगी, बाद में करा लेना। नहीं खराब होगी ना पापा, अभी तक तो पूरी लगी भी नहीं है। एक सेकंड, वेट, अनन्या कैन हियर यू, जस्ट हैंग ऑन अ सेकंड। एक सेकंड, हाँ रुक रुक, बहुत साउंड है। अरे बेब काम सुन ना, यू नो ऋतिक भाई और रोहित की क्लास लेने के लिए आई नीड माय पार्टनर इन क्राइम, हु अंडरस्टैंड्स दैट बेटर देन यू डार्लिंग। यस, आई विल सी यू सून, वेटिंग, बाय। मैम अभी मैं वही कर रही हूँ। हाँ दो मिनट दीजिए मेरे को बस। ओके तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी तक कैंडल्स भी नहीं आई है। एक्सक्यूज मी जी, ये आपके डेकोरेशन है? सेम ओल्ड खिसी पिटी इंडियन वेडिंग स्टाइल। मैम आपने ट्रेडिशनल कहा था तो ट्रेडिशनल कहा था, टैकिंग। मैम ये सब डिजाइन्स अप्रूव्ड हैं और मैं वही कर रही हूँ जो मुझे अप्रूव होके मिला है। लिसन, मेरे फ्रेंड्स एलए से आने वाले हैं और वो ये सब देखने नहीं आ रहे, दे डोंट वांट टू सी जस्ट अनदर इंडियन वेडिंग, ऑलराइट? मैम डोंट वरी, अभी हमें लाइट्स भी लगानी है एंड ब्यूटीफुल फ्लोटिंग कैंडल्स और आपकी व्हाइट फ्लावर्स वाली थीम भी हम इसमें कर रहे हैं। रियली व्हाट पार्ट डोंट यू अंडरस्टैंड? आई सेड हटाओ इसे। मैम आई एम सॉरी, आपको मेरे बॉस से बात करनी है। बॉस? आई एम द बॉस, आई एम द ब्राइड। कहाँ है आपका बॉस? वो वेंडर्स के पास गई है व्हाइट ओनलीज लेने। जब व्हाइट ओनलीज लगाने ही नहीं है तो गोल्ड हो, पिंक हो कि ग्रीन हो, हु गिव्स अ? लिसन, व्हाट लैंग्वेज डू यू अंडरस्टैंड वुमन? अपने बॉस की लैंग्वेज। मैम लुक, आई एम रियली सॉरी बट आई कांट। यू विल एंड आई विल मेक श्योर यू डू। क्या हो रहा? समर यू वुड नॉट बिलीव व्हाट दिस वेडिंग प्लानर इज डूइंग। मेरी शादी है ना, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा तो इसको वो सुनना चाहिए ना। शी इज नॉट लिसनिंग टू, आई डोंट नो व्हाट लैंग्वेज शी अंडरस्टैंड्स। तुम ये सब छोड़ो, मैं देख लूँ, ठीक है? ओके ये तुम्हारी शादी है? राधिका मैं तुमसे बात करने वाला था। राधिका लिसन प्लीज। क्या करोगे बात करके, कहने के लिए रह क्या गया है? शादी के बाद ही बताते थे टेक्स्ट मैसेज करके। लिसन गाइस प्लीज, तुम लोग राधिका, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना था। आई मीन मैं धोखेबाज नहीं हूँ, यू नो माई पेरेंट्स ना, मेरे पास चॉइस ही नहीं थी। आई वांट टू बी विद यू। प्लीज बस करो, मैं यहाँ जॉब पे आई हूँ और यहाँ आके पता चलता है दूल्हा और कोई नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है रीवा नून, द ग्रेट विजयपथ नून की बेटी की शादी है। पर मुझे ये नहीं पता था कि उसकी शादी तुमसे हो रही है। अगर अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तुम क्या करते समर? मुझसे झूठ बोलते रहते कि तुम सिंगल हो या और कोई बहाना करते? और मुझे फाइनली अखबार से पता चलता कि तुम्हारी तो शादी हो गई। मैं तुम्हें फोन करने नहीं सुनने, तुम्हारे झूठ तुम्हारे बहाने, मैं जा रही हूँ। लिसन प्लीज, आई एम डन, मैं शादी में फूल नहीं सजा सकती। राधिका मुझे कुछ नहीं सुनना समर, नहीं समर नहीं, लिसन टू मी, नहीं मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझे जाने दो। राधिका
तो ये सारे हॉस्पिटल्स में डबल चेक करना होगा, क्लिनिकल ट्रायल्स में जो भी। हेलो, कहाँ गए? यही हूँ। व्हाट? नहीं, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, बताओ। ऑफ कोर्स कुछ हुआ है, व्हाट इज इट? रीवा की शादी है, आई मीन मेरी सिस्टर, थोड़ा सा नर्वस हूँ, पजल। बट व्हाई? आई डोंट नो यार, जब भी उसे समर के साथ माय फ्यूचर ब्रदर रहा हूँ क्या देखता हूँ ना, तो आई फील स्कैर्ड। जा रही है ना वो हम सबको छोड़ के, कहीं वो भी मेरी तरह निकला तो? और ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई डोंट नो मैन, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा किया ना शादी के बाद, I'm not kidding, I'm gonna kill him, मार दूंगा मैं उसे। जो तुम दूसरी लड़कियों के साथ करते हो, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन के साथ हो? Of course not. और मैं कोई शादी वादी की प्रोमिसेस नहीं करता हूँ, नो फॉल्स प्रोमिसेस। जो भी है सब पत्ते टेबल पर होते हैं, दे नो व्हाट दे गोइंग थ्रू। ये शादी करके दिल तोड़ना ना, दैट्स नॉट राइट। वो भी तो शादी कर रहा है, कमिटमेंट दे रहा है, दिल कहाँ दुखा रहा है? तो मुझे लगता है दिल तोड़ने में पहले से पता नहीं चलता, यू डोंट सी इट कमिंग। अरे रीवा ना बहुत प्यार करती है समर से, पता नहीं समर इस टाइप का है कि नहीं जो उसे खुश रखे, उतना पैम्पर करें, उतना प्यार करें जितना हम लोग करते हैं। I'm just scared. That's sweet. ये शादी वादी में ना पहले चल रेड रोजेस एंड वाइट ऑर्किड्स, और बाद में क्या लगता है तुम्हारी शादी होगी? नहीं, what are your views? 3-4 साल बाद। ओह, तो 3-4 साल तक ये डॉक्टर, ये सेवा, ये सब करती रहोगी, and then a rich handsome young boy? Of course not. है? कोई तो कैटेगरी होगी तुम्हारी? I want someone rich. बट सोच में, पैसों में नहीं, जो मुझे समझ सके, मेरी पहचान समझे। तो तुम कुंवारी रहने वाली हो, कुड़ियों को कोई नहीं समझ सकता, प्लीज। कुछ भी, ये शादी वादी मुझसे तो नहीं होने वाला। आई डोंट थिंक आई कैन हैंडल इट। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। फाइन, आई एम सीरियस। यार रिक्की, हाय हाय पलक, सब तुझे नीचे ढूंढ रहे। और बाय द वे, लाइफ में पहली बार तूने ऑफिस से किसी को घर पे इनवाइट किया है। Impressive. मैं तो ऑफिस की मीटिंग के लिए आई थी, बस निकल गई। वो कहाँ? Stay. And tomorrow, please get your family for the function also. No, it's fine. Family function है, मैं क्या करूँगी? तुम family function attend करोगी, समझी? Do it for me. मेरे लिए. Okay. See you. Bye. Take care. फिर मेरे लिए मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अच्छी लड़की है। नहीं है, अच्छी लड़की है। That's why she's not my type. Okay? Get a life, bro. क्या हुआ आंटी का फोन क्यों काट रही है? तुझे पता है ना यार, एक और लड़का देख के बैठी मेरे लिए। एक और लड़का, एक और मीटिंग, I can't handle यार। वैसे भी 2-3 दिन तो बिजी होने वाली है, फुल शादी, मेहंदी, संगीत एंड ऑल दैट ना। बॉस का ऑर्डर है, करना ही पड़ेगा ना। बॉस के ऑर्डर्स इग्नोर करते तो वो पर्सनली ले लेते हैं, सो बी केयरफुल। सुन ना, तू भी चल मेरे साथ। मैं क्या करूँगी वहाँ पे जाके? मुझे कंपनी देगी और क्या करेगी, ऐसे भी उसने कहा है। प्लीज यार, मैं किसी को नहीं जानती हूँ वहाँ पे। तू मुझे तो जानती है ना सी, तू प्लीज चल ना। कम ऑन पलक, नोबडी नोज़ मी देयर। मैं हूँ ना, मुझे भी तो चाहिए कोई। चल प्लीज 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 प्लीज। चल ठीक है, ओके। वैसे तेरा बॉस बहुत हॉट है। हाँ, मैंने सुना तुम बहुत करीब हो आजकल। हाँ, तो फिर शुरू हो गई ना। अरे वर्क प्लेस है, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन बनते हैं यार। मेरे टाइप का नहीं है यार, और इतना कॉम्प्लेक्स आदमी तो मुझे बिल्कुल नहीं चलेगा। वैसे ना रोहित तेरे बारे में पूछ रहा था, तो कोई और भी है जो खुश होगा अगर तू शादी में आएगी? किसी और को खुश होना तो मुझे डेफिनेटली नहीं जाना। अरे यार तू तो नाराज हो गई, मजाक कर रही थी। चल यार पलक। अच्छा चल, प्लीज 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 प्लीज, चल चल चल। हमारी बच्ची कितनी खुश लग रही है ना, मैं देखो बोल रहा हूँ, समर से बात कर ले। डैड,
मैं कैसे बात करूंगा, फिर भी सुनूंगी। क्या हुआ माँ? वो डैड लिसन, अभी वैसे भी इन बातों के लिए बहुत देर हो गई है, उनको अच्छा भी नहीं लगेगा अगर मैं कुछ बोलूंगा। एवरीथिंग ऑल राइट। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि रीवा हमारी बेटी है, शादी के बाद समर भी हमारे बेटे जैसा हो जाएगा, और इतना बड़ा घर है, समर भी हमारे साथ रहने लगे तो घर जमाई। मॉम डोंट फ्रीक आउट नाउ, जस्ट थिंक अबाउट इट, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। देखो रीवा के जाने से हम लोगों को कितना बुरा लग रहा है, तो उसके दिल पे क्या बीती होगी। यू नो हमें बचपन से गलत बताया जाता है कि लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं, लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं। गलत है, लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं। लड़कियां खुशी खुशी अपनों को पीछे छोड़कर बाहर जाती हैं, अपना नया घर बसाती हैं, परिवारों को जोड़ती हैं। अ गर्ल इज स्ट्रांग। आपका जो दुनिया देखने का नजरिया है ना, वो सबसे अलग है, और अगर इस लाइफ को किसी भी नजरिए से देखना हो ना, तो सिर्फ आपके नजरिए से ही देखना चाहिए। डांस करते सब करें। कम 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 कम। समर इज सीरियसली गेटिंग एम्बैरेसिंग नाउ। तुमसे कितनी बार कहा है, ऐसे मुंह लटका के मत खड़े रहो। स्माइल के स्माइल एवरीवन। अरे चलो निकल के। हां पागल। Hi, Palak. Hi. Hi, sir. What a pleasant surprise. Ritvik और उसकी बहन को congratulate करने चलते हैं ना? Let's go. अब मैं ले चलता हूँ। I think we can manage, right? थोड़े busy लग रहे हैं ना? बाद में मिलते हैं। बहुत प्यास लग रही है। Orange juice? Cranberry. Okay. Thank you, Palak. ये तो कोई आलानी नहीं। Welcome. I'll be back. अरे कोई बात नहीं है, तुम मेरे लिए बताओ, व्हाट यू वांट टू ड्रिंक? कम सी, तू मेरे लिए जूस लेने गई। जूस? बाय द वे मस्त है, वेरी प्रीटी इन पिंक। कॉम्प्लीमेंट बनता है। मेरी मॉम की साड़ी से बनाया ना। नो वंडर, तुमसे कहा होना चाहिए सर। एंड यू क्वाइट अ प्रो एट ऑल ऑफ दिस। कभी साड़ी से ड्रेसेस, कभी कर्टन्स से। थैंक्स। आई वांट दोस कर्टन्स बैक। श्योर। ड्राई क्लीन। ओके। एक ऑरेंज और एक क्रैनबेरी। स्वीटहार्ट। एक्सक्यूज मी। नहीं, कॉकटेल का नाम। ब्रो एक स्वीट हार्ट। भैया ये स्वीट हार्ट नाम का कोई कॉकटेल है क्या? ऐसा तो कोई ड्रिंक नहीं मैम, कुछ और दे दूं? Sorry, I know I'm not supposed to see that. But I think it's fine. She's hot. तो किन किन पे थप्पड़ मारेगी समझा? I want to hear you loser. You loser. क्या कर रहा है शो?
लोग मुझे प्यार से शिवी बुलाते हैं। That's horny. Sorry, I don't know what to say. Arey, it's fine. She's hot. Really? Yeah. Ab kina tumne doston wali baat. Hi. That's my sister. वैसे मैंने देखा कैसे आपको ignore करके चली गई. So sad. Watch it. देख लो, मुझे नहीं लगता इस बार कुछ होने वाला. You will lose. Really? Let's see. I hope you lose. Let's see. One single more, please. Yes, sir. Add some more ice. Temperature काफी ऊपर चला गया. तो फिर पूल में जाके टुक्के क्यों नहीं लगा रहे थे? I don't mind. You join me? मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, अब क्या हुआ? Why is he like this, is he? Hey, loser! पूल में जाना है? दिल्ली की सर्दी में ना सारी गर्मी निकल जाएगी। देखना, पहली बार ऋत्विक नून को भी संभाल रहा है। ये चैलेंज कुछ नेक्स्ट लेवल होगा। काम करो, इसे इग्नोर करो। तो आना हो गया है, नो ट्रिक। ट्रस्ट मी, ट्राई करके देखो यार। राइट। डांस करो। मी? हाँ, उसे भी लगना चाहिए, मेरी जिंदगी में और भी कोई लड़की है उसके अलावा। अब दोस्त का है तो करना पड़ेगा। चल यार, मैं फार्मासिस्ट हूँ, यहाँ काम करने आई थी, डांस कर रही हूँ। दोस्त की बहन की शादी है ना तुम्हारी? एक डे ऑफ है, सब राइट। वैसे भी तुम्हारा बॉस मैं हूँ, तो देखना उसको, देखेगी कि नहीं देखेगी? नहीं देख रहे? वैसे तो और मूड कर लिया है। I think you should get closer. देख रहे हैं? देखिए जी, अच्छा संपन्न। खुला ही था। बाहर से ना? मैं तो कब से वेट कर रही थी कि कब तुम्हें अकेले में मिलूं। हेलो, तुम लोग रिहर्सल्स में तो बहुत कह रहे थे कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है और अब दिख रहा है मुझे। एनीवेज, कीप इट अप। ये मास्टर जी बिना कुछ भी बोलते, किसी को भी कपल बना देते। हाँ, तभी कुछ सिंगल है आज तक। सिंगल से याद आया, तुम्हें कोई लड़का क्यूट नहीं लगा यहाँ पर? वो क्यूट है? नो नो नो, इज नॉट योर टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय नॉट माय टाइम? अरे वो तुम्हें सीधे साधे लड़के चाहिए ना, वो थोड़े मेरे टाइप के। हाँ जी, ये लो, बिंदु का फोन है सिंगापुर से।
हेलो हाँ? ऋतिक के साथ लड़की कौन है? तुम्हारे बेटे की 300 गर्लफ्रेंड है, मतलब होगी कोई एक? ना ना, रौनक तो देखो चेहरे पे, इस बार बात कुछ और है। एल, बिंदु का फोन आ गया। हाँ बिंदु, किधर हो भाई? हेलो बिंदु, किधर हो? रास्ता नहीं मिल रहा, ऐसे कैसे होता है? अरे फोन, क्या लग रहा तुम्हें, अब तक चल गई होगी? वो देख भी नहीं रिया, आज तुम्हारा बैड डे। वैसे अब तुम्हें वो लाइन बोल लेनी चाहिए, वो तुम क्या बोलते हो लड़कियों को, क्या लाइन मारते हो? मेरा शू कलेक्शन देखने आओगी? ओह, तुम्हें याद है? ऑफ कोर्स तुम्हें याद है। बाय द वे, एनीवे, फॉरगेट दैट। मेरा शू कलेक्शन एक्चुअली में बहुत ऑसम है। रियली? प्राइड देखना चाहोगे? सीरियसली? अरे वैसे ही नहीं यार, रियली, यू वांट टू सी माय शू कलेक्शन? चल। Wow, and I was so excited जब मुझे वो जूते मिले। Michael Jackson ने इंडिया में वो पहने थे, मैंने ऑक्शन करवा के खरीदे थे। Are you there? ये हॉटी की आवाज़ है। देखा, आ गई ना, जेलेसी काम कर। मैं निकल रही हूँ अब, मुझे कबाब में हटी। वो एक मिनट, तुम यहाँ से बाहर जाओगी, उसे लगा कि मैं डबल टाइमिंग कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे रूम से निकलोगी, ऑकवर्ड है ना उसके लिए। तुम यहीं चुप जाओगी प्लीज़। देख, मैं 5 मिनट में उसको यहाँ से ले जाऊँगा, उसके बाद यू कैन एंटर द पार्टी। 5 मिनट्स प्लीज। ये सब ना मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए भी कभी नहीं किया। हाँ, पर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ऋत्विक नून नहीं था ना, गेट यूज्ड टू ऑल ऑफ दिस। यू आर द बेस्ट। 5 मिनट्स। या या या, ओके। खुला ही था। बाहर से। ओह। मैं तो कब से वेट कर रही थी कि कब तुम्हें अकेले में मिलूं। क्या एपिक है यार तू, हमें कंसर्ट। मुझे लगा था मेरी तो वाट लग जाएगी यार, वो तो। हाय रब्बा, तुम दोनों। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मम्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मॉम है? हाँ।